यस सर्वाइवल सीरीज का दूसरा पार्ट। आज हम बनाएंगे माइनक्राफ्ट के 3 स्टार्टर फार्म्स जो हमें आगे प्रोग्रेस करने में काफी हेल्प करेंगे। तो पहला फार्म मैं बनाऊंगा वुड का, वो भी मैनुअल होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। दूसरा बनाऊंगा वीट फार्म, जो भी मैनुअल ही होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसे आगे कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा होगा अपना स्टोन फार्म, जिससे हमें काफी ज्यादा कोबल स्टोन मिलेंगे, जिससे हम आगे की प्रोग्रेस बड़ी ईजिली कर सकते हैं। तो वेला इन फार्म्स को बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पीछे क्रीपर है और डिस्पॉन हो गया। वेल तो बनाते अपने फार्म्स को, देखेंगे कि कौन सा फार्म कितना वर्थेट है हमारे लिए। ये रहा है, ये सारा मटेरियल मुझे चाहिए फार्म्स के लिए। पहले हम स्टोन फार्म बनाएंगे। आप सोच रहे हो इतना मटेरियल कैसे कलेक्ट कर लिया, इन मटेरियल को कलेक्ट करने वाली फुटेज मेरे पास नहीं है अभी। तो वेल वो डिलीट हो चुकी है मेरे से, तो वो नहीं है मेरे पास। तो कुछ मटेरियल ही चाहिए थे जिनके लिए मुझे आयरन चाहिए था, वो मैंने माइन कर लिया है। कोई नहीं बोलेगा मैंने क्रिएटिव यूज किया है। वेल तो मैंने क्रिएटिव यूज नहीं किया है। मैं सबसे पहले क्या बनाना है, मुझे स्टोन फार्म। इसके लिए मुझे स्टोन लगेंगे, स्टेल लगेगी, ओपर्स और चेस्ट और वाटर है इनफ। और अपने फार्म्स को बनाने के लिए मुझे कौन सी जगह अच्छी लगी है वो भी मैंने देख ली है। यहाँ पर बनाऊंगा मैं अपना फार्म। आसपास मेरा लावा भी होगा, वो रहा मेरा लावा। ये भी मैंने कलेक्ट किया था ब्लैक स्मिथ के घर से। तो वेल कोई नहीं बोलेगा ये अभी क्रिएटिव से लेके आया हूँ मैं। तो वेल बनाते हैं अपना फार्म। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, होपर। होपर फिर चाहिए चेस्ट। तो सबसे पहले मुझे लगाना है ये डब्बा ऐसे, इसके पास होपर कुछ यूं, फिर बाकी के मटेरियल एक कोबल स्टोन यहाँ पे और इसके चारों तरफ। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है हमें पहले, फिर एक कोबल स्टोन यहाँ जाएगा। स्टेयर्स कहाँ गई, ये रही स्टेयर्स फूड ऊपर। तो एक कोबल स्टोन के स्टेयर ऐसे ऐसे, फिर से यही बॉक्स हमें रिपीट करना है कुछ यूं। ये हो चुका है, अब हमें डालना है यहाँ पे पानी। चलो दो वाटर बकेट और लेके आता हूँ। तीसरी अब चाहिए लावा। लावा हो रहा सामने, वो भी क्लिक कर लेता हूँ, इसी की तो ज़रूरत है मुझे। ये हो गया लावा। तो वेल अब लावा लगाते हैं जिससे हमारा स्टोन का फार्म वर्क करेगा। ये रहा अपना लावा का सोर्स। सबसे पहले मुझे ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म फिर से बनाना है इन डब्बों से, कंप्लीट। अब मुझे लावा को यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस कर दिया, नीचे कोबल स्टोन बन चुके हैं। स्टोन बनेंगे, कोबल स्टोन तो माइन करने पे मिलेंगे हमें। तो वेल इसे भी बंद कर देता हूँ मैं। यस कंप्लीट। ओ डैमेज, यहाँ पे अपने स्टोन होंगे, ये रहे। ओ वेल ये पानी आ रहा है, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए जो कि है साइन। तो वेल ये हो गया अपना कलेक्ट, यहाँ पे वर्क तो कर रहा है, साइन बाद में लगाऊंगा। तो वेल अब मेरा दूसरा फार्म बनाने का टाइम आ चुका है जो कि है वुड का फार्म। ये भी बड़ा है, फिर बनाएंगे हम एक खेत जिसमें उगेगी हमारी बहुत सारी वीट। यस तो कलेक्ट कर लेता हूँ मैं जो मुझे चाहिए मेरे वुड के फार्म के लिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए जो कि मेरे चेस्ट में है। वेल ये रहा स्टोन, स्टेयर्स नहीं चाहिए और ये लगाता चला जाऊंगा मैं। और कुछ नहीं चाहिए, ओ सैपलिंग्स। अभी बोन मील ली है मेरे पास, मैं बोन मील का जुगाड़ करूंगा बहुत जल्दी। तो वेल चलते हैं बनाने फार्म को। फार्म बनाने के लिए मुझे एक सामने जगह दिख रही है और यहीं पे बनाएंगे अपना फार्म। ये मैंने पहले ही साफ कर रखी, 17-20 का एक प्लेट बनाना है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो ये रहा अपना कोबल स्टोन, फुल लेते हैं। ये रहा 64, 1, 2, 3, 4, 5, 17 हो चुके हैं यहाँ तक। अब इस साइड मुझे 20 ब्लॉक्स जाना है, 2, 3, 4, 5, 20 हो गया। इस साइड मुझे फिर इसे पूरा कवर करना है कुछ ही यूं, कंप्लीट। अब हमारा काम रहता है पानी वाला जो कि मुझे करना है। मेरे पास पानी नहीं है, कलेक्टर के लिए क्या आता हूँ, देखता हूँ वाटर सोर्स हमारा ठीक है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक वाटर सोर्स बना रखा है अनलिमिटेड। तो एक वाटर बकेट जाएगी यहाँ पे और एक और चाहिए मुझे, वो भी देखना है कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है। तो वेल ये एक यहाँ पे, तो ये परफेक्ट ऐसे मुझे अब इसको पूरे को फिल करना है। तो वेल करता हूँ ये जल्दी से। यस कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मुझे चेस्ट वाला काम करना है और एक काम और रहता है जो कि है अपना ये वाटर वाला। तो वेल ये करता हूँ कंप्लीट और करता हूँ अपने पेड़ को लगाने का काम। बोन मिल नहीं है मेरे पास, बाकी सब है। यस कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे एक काम और करना है जो कि बड़ा ईजी है।
जिसके लिए मुझे ये दरार खोदनी पड़ेगी। पहले से करता हूँ कंप्लीट, यहाँ पे पानी लगाना है जिससे हमारा कलेक्टिंग सिस्टम अच्छे से वर्क कर सके। आगे चलो आगे, हम ये लग गया होपर। अब मेरी चेस्ट रहती है, कहाँ मेरी चेस्ट, ये रही। चेस्ट लगाने के बाद कुछ यूं डबल चेस्ट, ओके इनफ। अब क्या है हमारे पास, सैपलिंग है और डैट भी है। पानी वाला काम हो चुका है, अब मुझे एक काम और करना है। यहाँ पे एक कहाँ लगी है ये डैट, यहाँ। फिर मुझे इसके ऊपर एक ब्लॉक और ऊपर, फिर 3x3 का प्लेटफॉर्म कंप्लीट। फिर हमारी सैपलिंग्स, अब ये मैनुअली ग्रो होंगी। मैं बोन मील का जुगाड़ करूँगा लेकिन अभी ये मैनुअली ग्रो होगी। और हमारा तीसरा फार्म बनेगा वीट का फार्म, जो हमें अनलिमिटेड फूड प्रोवाइड करेगा। मैनुअल है लेकिन फूड तो प्रोवाइड करेगा, जो हमें काफ़ी हेल्प करता है माइनक्राफ्ट में प्रोग्रेस करने के लिए। मेरा आइटम कहाँ पे, ये रहा, थोड़े से सीड्स, इतने इनफ। और एक हो भी बिल्कुल इनफ है मेरे पास, ये रही अपनी जगह। इसको फिल अप कर देता हूँ पहले। गाइस मैं यहाँ पे अपना फार्म बनाऊंगा, लगभग 8x8 का होगा, तो हमारी 64 क्रॉप्स यहाँ पर इजीली ग्रो हो सकती है। और मैं इसे कवर भी करूँगा अगले वीडियो में, जब अपनी पीछे वाली सैपलिंग्स ग्रो हो जाएगी तो मैं इन्हें कवर भी कर दूंगा। तो चलो करते हैं अपने फार्म की तैयारी। यस, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वाटर तो है ही यहाँ पे, पहले से लगा हुआ मैंने लगा रखा है। ये लो 1 2 3 4, ये ऐसे करके मुझे चारों तरफ 4 5 4 का प्लेटफॉर्म रेडी करना है, जिसमें हमारी 64 क्रॉप्स चली जाएंगी। यस, हो चुका है। और मेरी हॉक की ड्यूरेबिलिटी भी कम हो चुकी है। अब मैं अपने सीड निकाल लेता हूँ। 64 सीड इनफ होंगे हमारे लिए, इतने सीड इनफ है, क्योंकि ज़्यादा सीड हम चाहिए नहीं। तो इसे प्लांट कर देता हूँ जल्दी से। जो सीड खत्म हो चुके हैं मेरे पास, थोड़ा सा रह गया अपना। चलो ये ग्रो होंगी, इनसे मुझे सीड मिलेगी जिनसे मैं इन्हें भी ग्रो कर लूँगा। तो वेल, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताओ, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो। पीछे से स्केलेटन है, ये आए जब तक आप सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो।